साधारण भाषा में आप लोग बता सकते हो ना कि टालना विरोध है ना, रजिस्ट करना मतलब विरोध करना। हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स में, और कंडक्टर्स में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा तो आयंस। तो हम सीधे बोले चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो करे चाहे आयंस, उससे बनने क्या वाला है, करंट फ्लो कर रहा है। और अगर ये करंट धीमे धीमे फ्लो होने लगे या पर पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके थोड़ा सा स्टक होने लगे, स्टेटिक होने लगे, तो फिर वहाँ पर वायर गर्म होने लगेगी। और बहुत ज़्यादा समय तक हो गया तो वायर मेल्ट होना चालू होगी, आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं आपके। तो ये जो सब कुछ हुआ ना, दैट इज, तो जो करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं। और दुनिया का कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस ना होता हो, सुपर कंडक्टर कुछ होते कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस ना होता हो, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस जितना कम वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, कंडक्टर। और अगर मेटल में हम सबसे अच्छा कंडक्टर देख लें तो कौन है हमारा, सिल्वर। सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सेकेंड नंबर पे है कॉपर, और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। इन्हीं तीनों के आपके वायर्स वगैरह, स्विच वगैरह जो भी होती है इन्हीं तीन चीज़ों के लगाए जाते हैं। बाकी तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर एक्सेप्ट मर्करी एंड लेड। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। फिर इसी के लिए ओम्स ने एक लॉ भी दिया था, वो छोटे फॉर्म में है आपकी केमिस्ट्री में। तो पहले रेजिस्टेंस देखते हैं हम क्या होती है। देखिए एवरी कंडक्टिंग, एवरी कंडक्ट, आवाज नहीं, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी पदार्थ है जिसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स, अपने पे अप्लाई करते हैं या लागू करते हैं, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें, सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करेंट, या आप लिख सकते हो चार्ज, है ना, करेंट है ही क्या, चार्ज जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड करेंट, है ना। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल लागू करता है, ऑफर्स करता है सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करेंट, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बच्चों बिल्कुल नहीं रटना है हमारी लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिखना है। फ्लो ऑफ करंट में जो ऑब्स्टिकल्स आती है, जो रुकावटें आती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक कंडक्टिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टर, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। हाँ, रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, उसके लिए तरीके होते हैं आपके, है ना। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सब लागू करता है, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल कंसिस्ट सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करेंट इन द फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। लाइन चेंज करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लाइन चेंज करके लिखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वो लॉ है आपका जहां से रेजिस्टेंस की यूनिट डिफाइन होना चालू होती है। ओम्स लॉ क्या कहते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल, लिखो सीधे नीचे से हम जैसा लिख रहे हैं, पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ करंट, थ्रू सर्किट, फ्लो ऑफ करंट आई थ्रू सर्किट, सही बात है भाई। जितना ज़्यादा करंट आएगा उतनी ज़्यादा तो वोल्टेज आएगा। कम करंट कम वोल्टेज, ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज। तो ओम्स लॉ कहते हैं कि कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आएगा, वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्ट फ्लो होता है। फ्लो ऑफ करंट थ्रू सर्किट दैट इज ओम्स लॉ। शॉर्ट में लिखें इसे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब यहाँ बच्चों एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वी इक्वल आर आई। हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन आई। देखो साफ दिख रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा आ रहा है तो करंट कम फ्लो होगा, है ना। दिस इज द फॉर्मूला। यूनिट देखें, यूनिट आर इक्वल पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट और करंट की पता है एम्पियर। अब अगर आप चाहो तो इसकी आप यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हो लेकिन उसकी हमें पूरे चैप्टर में या कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वोल्ट की क्या हो जाएगी, वर्क पर यूनिट चार्ज, एम्पियर वो तो वो है ही है उसका तो कुछ होने नहीं है, एम्पियर। चार्ज क्या हो जाएगा, नहीं वो तो चार्ज की पर्टिकुलर यूनिट हो गई। वोल्ट हो जाएगा बर्क पर यूनिट चार्ज, बर्क क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और चार्ज की क्या हो जाएगी आपकी, करंट पर यूनिट टाइम। तो इस यूनिट की बच्चों कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमें इसी को वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। और आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो एम्पियर इंटू सेकेंड इनवर्स, एम्पियर पर सेकेंड इनवर्स।
दैट इज ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अब याद रखना है, आगे जाके बहुत सारे फॉर्मूले बनने हैं, यहाँ से देख लो इसे, फिर आगे चले नेक्स्ट डेफिनेशन में। यूनिट बच्चों याद रखनी है, इस चैप्टर में यूनिट की बहुत जरूरत पड़ेगी। याद करो फास्ट रेजिस्टेंस, कहीं डाउट हो पूछो। रेजिस्टेंस की यूनिट पता होनी चाहिए ओम। क्या होता है रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करेंट। ओम्स लो, वी प्रोपोर्शनल आई, वी इक्वल आर आई, आर इक्वल वी अपॉन आई, वी इन वोल्ट, आई इन एम्पियर इक्वल टू ओम। ये याद रखना है। अगली डेफिनेशन डालिए बच्चों, रजिस्टिविटी, ऐसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस। स्पेसिफिक रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, आप टेढ़ा करके पी बना लो या फिर इस प्रकार से लहराते हुए पी बना लो, रो इसको बोलते हैं बच्चों रो, है ना। ये जो साइन बनाया ना हमने लहराते हुए पी, बात करनी है जी ना, हमसे पूछो बेटा आपस में बात में। रो सिंबल का नाम नहीं पता तो कॉपी के ऊपर लिख लो रो, दिस इज कॉल्ड रो, आर एच ओ रो। रजिस्ट स्पेसिफिक वर्ड को बच्चों आपको समझना है यहाँ पर, क्योंकि अभी कंडक्टेंस आने वाला है, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आने वाला है। जे इतनी बड़ी वायर है, इस पूरे में अगर आप पता कर रहे हो कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये क्या है? रजिस्टेंस, दैट इज रजिस्टेंस। लेकिन आपने इस वायर का इतना सा हिस्सा हटा लिया और उस हिस्से में भी 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ, इतनी सी जगह में रजिस्टेंस अगर पता किया आपने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ज़्यादा नाम रेजिस्टिविटी चलता है। कुल मिला के कहते हैं अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो हमारा कौन सा रेजिस्टेंस कहलाता है? फीलिंग वाइज समझना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले और मेरे तो सब साइड में रख दो, आपको समझ में आना चाहिए। आप सिर्फ इतनी सी जगह का वायर में, इतनी सी जगह में लाए, उसमें भी आप 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर आपकी लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, कुल मिला के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आप रेजिस्टेंस पता कर रहे हो। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आप रेजिस्टेंस पता कर, इतनी सी जगह का मतलब हम स्पेशल जगह का रेजिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो स्पेशल जगह के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सेम, इतनी ही जगह में अगर आप कंडक्टेंस पता करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कप्पा, बिल्कुल सेम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इतनी जगह का रेजिस्टेंस कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इतनी ही जगह में अगर आप कंडक्टिविटी पता करोगे, अभी आने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम। तो पूरी वायर में अगर आप पता कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा फ्लो होगा, तो वो कहलाएगा रेजिस्टेंस, टोटल कहलाता है रेजिस्टेंस। और इतनी जगह में पता कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखिए इसी में, अब इसके नीचे लिखिए, जो रेजिस्टेंस होता है आपका किसी भी कंडक्टर का,
रेजिस्टेंस लिख रहे हैं बच्चों, रेजिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा लेंथ है कंडक्टर की, और उतना ही कम होगा जितना कम क्या है, जितना ज़्यादा क्या है, एरिया। सही लिखा क्या? रेजिस्टेंस हमें आप करंट मान लो आई, ठीक है, हमें कोई कह दे कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, हम भड़बड़ाते हुए चले जाएंगे, फिर कहा कि वहाँ से यहाँ जो हम भड़बड़ाते आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारी लेंथ अगर कम है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही आने जाने में, हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, हम करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर रहा है। अब हमसे कोई कहते कि यहाँ से छतरपुर तक जाओ और छतरपुर से वापस आओ, हम लगातार जा पाएंगे क्या? चलेंगे फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे, मतलब रास्ता जितना लंबा कर दिया जाएगा करंट के फ्लो में उतनी ही दिक्कत आएगी। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत इसीलिए बहुत ज़्यादा एरिया बनाए जाते हैं आपके, अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लंबा वायर, जितना ज़्यादा लंबा वायर रखा जाएगा आपका उतना ज़्यादा क्या आएगा, ध्यान रखना है आपको। तो जितना लंबा वायर आया, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा आपका, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ का। अब देखो हमसे कोई कह दे कि तुम एक रस्सी पे चलो, फिर कह दे एक पटिए पे चलो, फिर कह दे एक थोड़ी चौड़ी सड़क पे चलो, और फिर हमें दे दे खेत चलने के लिए, इसमें हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, गिर सकते हैं, रुकावट आएगी। पटिए पे थोड़ा आसानी से चलेंगे, सकरी सड़क है चल लेंगे, खेत में तो झूमते झामते और चकते कूदते, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा हम उतनी आसानी से क्या कर पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे उतनी सी आसानी। और अगर हम मतलब करंट हम आसानी से चल रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ कम हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा करंट उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, और जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा करंट उतनी आसानी से फ्लो कर जाएगा, ध्यान रखिएगा आपकी। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। चलें तो इसको हम लिख लें, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन एल अपॉन ए को जानते हो क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट, आगे मिलेगा ये आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। देखना बच्चों ध्यान से, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, लहराते हुए पी बनाओ, दैट इज रो और एल अपॉन ए, रो को यहीं रखो, लहराता हुआ पी बनाओ रो, और एल अपॉन ए को उठा के यहाँ ले जाओ, तो आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। बच्चों इस फॉर्मूले की हमें बार बार जरूरत पड़नी है रो की, और फिर इतना सारा निकालोगे तो एक तरीका ना लो, रेल जो भी रेल, अब ये ध्यान रखना रेल में रा और आ ऊपर है और ला नीचे है, रेल रल जो भी हो हमें कुल मिला के चाहिए, हम जब भी पूछे रो तुरंत निकलना चाहिए रेल, हम तुरंत जैसे ही पूछे रो तुरंत रेल निकल के आना चाहिए आपके सामने, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। रेल आगे देखो बच्चों, लहराता हुआ देते स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस, ए क्या है एरिया,
सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्लियर है? और नीचे क्या है, लेंथ, सेंटीमीटर, नोट करो, मीटर में नहीं ले सकते क्या सर? ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ CGS चलना है। बच्चों देखो, यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इतनी मोटी वायर है, इतनी मोटी वायर का इतना सा हिस्सा तोड़ के लाए, उसमें हमने इतनी जगह का 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर विड्थ, इतनी जगह, दैट इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर बोल दें हम आपका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ, एरिया ले लो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ। जब आप इतनी जगह में रेजिस्टेंस पता करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। एक केमिक फॉर्मूला वाइज भी देखो आ चुका है, यहाँ देखो ध्यान से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल, लेकिन कितने रेजिस्टेंस के इक्वल, जब आप रेजिस्टेंस को कितनी जगह में पता करते हो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, पूरे में पता कर रहे हो तो रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप यही रेजिस्टेंस सिर्फ इतनी सी जगह में पता करने लगो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेशल जगह में पता कर रहे हो आप, सब जगह नहीं, पूरे समुद्र में पानी की टेस्टिंग नहीं लगा रहे, एक छोटी सी जगह की पानी की टेस्टिंग लगा रहे, स्पेसिफिक जगह की स्पेसिफिक टेस्टिंग हो जाएगी। तो अगर आप पता कर रहे हो रेजिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ, कुल मिला के हम कह दें 1 सेंटीमीटर एरिया आपका हो जाए लेंथ विथ, और लेंथ हाइट विथ मान लो, और 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो कुल मिला के हम कितनी जगह में पता कर रहे हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर इतनी जगह में आप पता करने लगो, फीलिंग समझ नहीं बच्चों, अगर फीलिंग पकड़ गए ना इसकी तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रट्टे रह जाओगे। अब आपसे कभी भी कोई पूछ ले न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फील अगर पकड़ गए तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ध्यान रखना है रो का फॉर्मूला, रेल, रल, जो भी याद हो, रेल, इतनी जगह में अगर रा है तो वो रो है, ये ध्यान रखना है आपका। रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही इक्वल है अगर हमने जगह कितनी ली है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, यूनिट भी लिख लेते हैं पहले, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। यूनिट सबको दिख चुकी है, दिख चुकी है यूनिट, दिख रही है ना यूनिट, लहराते हुए पी की यूनिट सबको दिख रही है, आर की यूनिट ओम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो ओम सेंटीमीटर, याद रखना है बच्चों यूनिट ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, वैसे SI यूनिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो सभी समझदार हैं, ओम मीटर। चलो डेफिनेशन लिख के दिखाओ रो की, अब जो जितना चाहे उतनी डेफिनेशन लिख सकता है, हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है। आप लोग को समझ में आए, बिल्कुल गलत होनी नहीं वाली, आप बस लिखो इतना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1 सेंटीमीटर लेंथ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर दूसरी भाषा में बोले रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई ज़रूरत नहीं हमारी, आपको अपने मन से आप डेफिनीशन लिख सकते हो। चलो प्रांजल बोलो डेफिनीशन किसका, कंडक्टर में ही आएगा रेजिस्टेंस, नॉन कंडक्टर में थोड़ी आएगा, बोल दो। इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो सौम्या बोलो नई डेफिनेशन, बोलो अपने हिसाब से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, लेकिन कब,
जब एरिया कितना हो और लेंथ कितनी हो 1 सेंटीमीटर। चलो तो हम लिख देते हैं, लिखिए द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 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 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट में लिखो टोटल कितना बताओ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो आपको लिखना हो, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड स्पेसिफिक, हालांकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा चलता है ना, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे को आप लिख सकते हो, और रेजिस्टिविटी फीलिंग वाइज पढ़ना है बच्चों, फॉर्मूले और मिले तो सब साइड में आ जाएंगे। चलो जल्दी से याद करके दिखाओ पूरा, रेजिस्टिविटी पूरी याद करके दिखाओ बाय फीलिंग, हमें बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आप इस चैप्टर की फीलिंग पकड़ोगे तो चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। इतना याद ध्यान रखना है कि इतनी सी जगह में अगर रेजिस्टेंस देखने लगे आप, है ना, इतनी सी जगह में अगर रेजिस्टेंस देखने लगे तो वही स्पेसिफिक, और इतनी सी जगह है आपकी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी सी जगह का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको तुरंत रो रेल याद आ गया ना, रो रेल तुरंत यूनिट निकाल लोगे, ओम मीटर। क्लियर, कोई डाउट? सानिया कोई डाउट नहीं है, हम कल पूछेंगे, बहुत घुमा के पूछेंगे। कोई डाउट? प्रांजल जय, सिर्फ डाउट नहीं, सौम्या कोई डाउट नहीं, पक्का पता चल गया रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सीधा सीधा है, करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस, और वही रुकावट अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पता करने लगो तो देट इज। डालिए बच्चों अगली हेडिंग कंडक्टेंस। हम पहले कंडक्टेंस पढ़ते फिर कंडक्टिविटी, है ना। अब इसमें क्या है कंडक्टेंस, है ना, सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपको रिप्रेजेंट करना हो, हम सी से करेंगे कंडक्टेंस। अच्छा, आपने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस फिर आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लिया,